गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। और बनाते हैं किचन में बैंगन छीलकर। बैंगन मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आ जाते हैं तो बनाने हैं। इनको अच्छे टेस्टी बनाने के लिए इनको छील के लिया है। दो बैंगन, तीन चार छोटे छोटे टमाटर, दो तीन आलू, दो तीन प्याज और थोड़ा बारीक बारीक काट के लहसुन। अब इससे बनाने सबसे पहले डाला है सरसों का तेल, हींग, जीरा, लहसुन, प्याज और जो मैं सारी मसाला तैयार करके रखती हूँ सूखी सब्जियों के लिए, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया डाल के इसको भी भूनेंगे। और इससे बनाए मैंने रेसेदार बैंगन। हमारे यहाँ बैंगन कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दो बैंगन, चार आलू थे, सब खत्म हो गए हैं। बड़े मजे से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। रेसेदार बैंगन बना के देखिए। और मेरी दूसरी रेसिपी है सूजी की खीर, कैसी बनी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सूजी की खीर बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही पौष्टिक है। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो पैकेट वाला दूध, उसको बॉईल कर लिया है। उसमें मैंने रोस्टेड सूजी डाल दी है, मेरे पास रोस्टेड रखी हुई थी। और आपके पास अगर रोस्टेड नहीं है तो आप उसको हल्का हल्का रोस्ट कर लें, घी डाल लें, चाहे तो स्किप कर सकते हैं चाहे तो डालेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। 1 किलो बॉयल्ड दूध में मैंने 50 ग्राम से कम सूजी डाली है। और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हो, जो भी आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। तो दूध को बॉयल होने पे सूजी छोड़ दीजिए, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, दो हरी इलायची कूट कर और मीठा अपने अनुसार जो भी आप खाते हो, शक्कर, चीनी। तो मैंने चीनी डाली है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कभी भी जल्दबाजी में बना सकते हैं, रोस्ट करके भी सूजी रख लेंगे तो और भी जल्दी बन जाएगी। तो मेरी बहुत ही टेस्टी बनी है, एक बार ट्राई कीजिए। तो ये आप छोटे बच्चे जिनके दांत कम होते हैं वो उन्हें भी आराम से खिला सकते हैं, बड़े मजे से खा लेंगे, जिनको मीठा पसंद है। और बड़े बूढ़ों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सूजी को रोस्ट करके रख लीजिए और जब मन चाहे जब बनाइए, मज़ेदार चीज़। ये बने हैं प्योर बेसन से। तो बेसन को पानी में घोल के इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी क्रश करके प्याज, टमाटर, हरा धनिया, आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अच्छे टेस्टी बने हैं। घोल तो संध्या ने बनाया है, लेकिन ये मैंने बनाए हैं पहली बार विदाउट अंडा। मेरे आए हैं दो पैकेट, मैं इन्हें ओपन करने जा रही हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या है इसमें। तो इसमें है स्टिकर और इसमें है जीन्स, मैं दोनों को ओपन करने जा रही हूँ। ये है स्टिकर और ये मंगवाइए एक जीन्स, फिट आएगी तो देखते हैं, रीजनेबल रेट में बहुत सुंदर है। और एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे सिंपल पनीर बनाने के लिए। पनीर के पीस करके इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे घी या तेल जो चाहें, जिस कढ़ाई में मैंने पनीर रोस्ट किया है उसी में डालेंगे थोड़ा सा तेल, घी जो आप चाहें। उसके बाद हींग, जीरा, लहसुन, प्याज, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, जो भी आप खड़ा मसाला पसंद करते हो या सूट करता हो आपको, वो सब डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से चौक पड़े हुए टमाटर, एक चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, इनको थोड़ा रोस्ट होने देंगे और इसको थोड़ा। और अब इसमें मैंने चार टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा दही, फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं या बाद में अमूल की क्रीम डाल लीजिए, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से। और अब ये सभी मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सी में बनाया है ग्रेवी, इसको लगातार चलाएँगे। दही है ताकि फट ना जाए। और इस ग्रेवी को डालने के बाद तब तक चलाएंगे तब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। इसको भी उबलने देंगे कम से कम 5 मिनट धीमी आंच पर। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, पनीर और हरा धनिया। अब सब्जी हमारी करीब बन चुकी है। तो सब्जी बनके तैयार है, अब मैं इसको खा के आपको बताती हूँ कैसे। याद आया सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, बनाइए एक बार। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। और स्पेशल सजेशन है सर्दी में खान पान का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुड बाय।